शहीद ए आज़म भगत सिंह, ये नाम सुनते सारे हिंदुस्तानियों के मन में एक एनर्जी सी भर जाती है, भरती है ना। तो इन्हीं का आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। वो फैक्ट है कि भगत सिंह की चिता को एक बार नहीं बल्कि दो बार जलाया गया था। तो इसके पीछे एक वेरी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी है कि तो हुआ यूँ था कि 24 मार्च 1931 को हमारे तीन अनमोल रतन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया जाने वाला था। पर ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर हम तीनों को फांसी पर इकट्ठा लटकाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में एक हलचल सी मच जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फांसी के तय समय से एक दिन पहले उन्हें फांसी पर लटका दिया, यानी कि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें सतलुज नदी के किनारे आग के हवाले कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा अमान्य तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जलाया गया था। पर जैसे ही ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली तो लाला लाजपत राय की बेटी और भगत सिंह की बहन करोड़ों लाखों की भीड़ लेकर सतलुज नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। इतनी सारी भीड़ को देखकर अंग्रेज तो वहाँ से भाग गए, यानी कि फिरंगी वहाँ से तुरंत भाग गए। तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने इन तीनों सेनानियों के शवों या फिर टुकड़ों को आग से बाहर निकाल कर इनको लाहौर ले जाया गया ताकि पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो 24 मार्च 1931 की शाम को पूरी शव यात्रा पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस सारी घटना का वर्णन सुखदेव के भाई ने अपनी किताब मेरे भाई सुखदेव में इस पूरी घटना का वर्णन किया है। तो मैंने भी ये स्टोरी आपको वहीं से बताई है। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले जानकारी थी कि भगत सिंह की चिता को एक बार नहीं बल्कि दो बार जलाया गया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक